सुपेला पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी को बनारस से गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सुपेला पुलिस ने इस वर्ष 24 बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया है। बीते 4 दिसंबर को सुपेला क्षेत्र के रहने वाले प्रार्थी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री 13 वर्ष को अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर ले जाया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना में लेकर सुपेला पुलिस द्वारा पता तलाश की जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में नाबालिग बालक बालिकाओं के दस्तयाबी के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाकर पता तलाश सुपेला पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अपहर्ता को आरोपी बनारस ले गया है। खबर पुख्ता होने पर सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर टीम बनारस उत्तर प्रदेश को रवाना की। सुपेला पुलिस ने लगातार 48 घंटे सफर कर पीड़िता को बनारस से सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को घेराबंदी कर बनारस से पकड़ा। पीड़िता से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी शिवम चौहान उर्फ बिट्टू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने जानकारी दी। घटना 3 दिन पहले की है। 3 दिन पहले अपहृता के जो परिजन है वो थाना सुपेला उपस्थित आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी जो बालिका है वो स्कूल गई थी, स्कूल के बाद से नहीं दिख रही है, घूम गई है। कि सूचना पर तत्काल, चूँकि बालिका की उम्र काफ़ी कम थी, 13 वर्ष करीब उसकी उम्र थी, तत्काल उसमें 363 IPC का मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के निरीक्षण में पुलिस ने जो टेक्निकल इन्फो होते हैं उसके हिसाब से पुलिस ने पहले जांच की। जांच पे कुछ पुख्ता सबूत मिले जिसके आधार पर पुलिस ने बिना वक्त गंवाए तत्काल बनारस के लिए एक टीम रवाना की, जो टीम ने सफलतापूर्वक बनारस स्टेशन के आसपास से अपहृता जो थी और आरोपी शिवम सिंह और बिट्टू के कब्जे से अपहृता को बरामद कर लिया और बरामद कर सकुशल वापस थाना लाया। थाना में जो विधि संगत कार्रवाई करते हुए अपहृता से पूछताछ किए जाने पर धारा 376 IPC और 4600 Act का अपराध पाए जाने पर उसे जोड़ा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। अब तक इस वर्ष 2023 में सुपेला पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक कुल 24 बालक बालिकाओं को जो 18 वर्ष से कम है उनको बरामद किया गया है और सभी को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। आरोपी ने पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। आरोपी आदतन बदमाश है, इसके विरुद्ध पूर्व से कई मामले दर्ज है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, सहायक उप निरीक्षक नील कुसुम भदौरिया, खुशबू वर्मा, प्रधान आरक्षक संतोष राज, आरक्षक विकास तिवारी विवेक सिंह, महिला प्रधान आरक्षक दीप्ति चंद्राकर का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।